हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपके सामने विंडो 7 पे CMD को ओपन किया हुआ है और ये हमारा कमांड लाइन कहलाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे जी, आप कमांड लाइन के थ्रू फोल्डर कैसे बना सकते हैं, फाइल कैसे बना सकते हैं, फाइल के अंदर आपको कुछ लिखना है वो आप कैसे लिख सकते हैं, फाइल और फोल्डर को आप रीनेम कैसे कर सकते हैं, उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, उन्हें कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं और आप उन्हें कट पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम कमांड लाइन के थ्रू सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से सीखना है, कम्प्लीटली सीखना है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और साथ में ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube पर जाएं और आप यहां पर हमारे चैनल को सर्च करें ROHIT स्पेस SHANU और आप एंटर करें, यहां पर आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं। हमने VMware के अंदर जो है वो अपनी एक Windows 10 जो है उसको इंस्टॉल किया हुआ है और इसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ माई कंप्यूटर में जाके जी हमारे पास दो ड्राइव हैं, एक सी ड्राइव है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 फोल्डर बने हुए हैं और एक हमारे पास यहाँ पर डी ड्राइव है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी फोल्डर माउस के हेल्प से बनाएंगे तो हम लोग डी ड्राइव में आए और हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया और हम न्यू पे पहुँचे और हमने यहाँ से फोल्डर बना दिया। तो ये तो दोस्तों तरीका हुआ ग्राफिकल, हम इसको ग्राफिकल बोलते हैं जी। ग्राफिकल तरीके से हमने माउस की हेल्प से यहाँ पर एक फोल्डर जो है वो बना दिया है। हमने इसे रीनेम करना है तो हम इसे राइट क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कुछ भी नाम जो है वो रख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमने इसके अंदर जाना है तो हम इसके अंदर डुअल क्लिक करके जाएंगे ताकि इसके अंदर की चीज़ें हमें दिख सकें। हमने बैक आना है तो हम यहाँ से बैक आएंगे और अगर हमने यहाँ पर कोई फाइल बनानी है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, हमने यहाँ पर फाइल बना दी। हमने इसके अंदर कुछ लिखना है तो हम इसके अंदर डुअल क्लिक करके जाएंगे और फिर हमने लिखा हेलो लिनक्स और हमने इसे सेव करना है तो हम फाइल में जाके सेव का ऑप्शन करेंगे ताकि हमारा डेटा इस फाइल के अंदर सेव हो जाए। अब हम इसे डुअल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं तो आप देखें हमारा जो डेटा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम इसका रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि हमने जो जो रखा। तो ये हमारा जो काम है वो ग्राफिकली काम है। अगर हमने इसे डिलीट करना है तो हम इन्हें दोनों को सेलेक्ट करेंगे या सिंगल सिंगल करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इनको डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो ये हमारी यहाँ से डिलीट भी हो जाएंगी। तो दोस्तों ये जो हमने सब काम किया वो है ग्राफिकल, ये ग्राफिकल कहलाता है। अब मैं आपको सिखाता ये सारे काम जो है वो हम कमांड लाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं और आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप उन कमांड्स को अगर आपको याद करनी है तो आप लिख लें, उनको ट्राई करके देखें। विंडो 7, विंडो XP या विंडो 8 या विंडो 10, कोई से भी विंडो हो उनके अंदर जो कमांड्स हैं वो सब सेम ही होती हैं, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं। आप किसी भी विंडो में कमांड चलाएं वो सब जगह जो कमांड्स हैं वो आपके काम करेंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। सी ड्राइव में हमारे पास सिर्फ 4 फोल्डर हैं जो कि विंडोज के हैं और यहाँ पर जो है डी ड्राइव में हमारे पास कोई भी फोल्डर वगैरह फाइल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं कमांड लाइन पे। तो कमांड लाइन खोलने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पर जो है नीचे जो सर्च बार आ रहा है आप इसमें जो है यहाँ पर CMD टाइप कर दें तो ये आपका CMD यहाँ आ गया, हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास CMD जो है वो ओपन होके आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप विंडोज R की को दबाएं जिससे कि आपका रन ओपन हो जाएगा। ये बहुत पॉपुलर है, सब लोग इसको जो कंप्यूटर चलाते हैं उन्हें पता है जी हाउ टू ओपन द रन। तो विंडोज R की के साथ रन आ जाता है, यहाँ पर आप CMD लिख के एंटर करें तो यहाँ से जो है वो आपका CMD जो है वो ओपन हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये हमारा जो है वो यहाँ पर CMD जो है वो ओपन हो गया है। मैंने इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अगर आपको इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है या इसके कलर चेंज है तो मैं आपको बता देता हूं। ऊपर जो ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की जिस पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर सी विंडोज सिस्टम 32 CMD.exe, आप यहां पर क्लिक करें, इस व्हाइट लाइन पे राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी जाएं। यहां से देखो दोस्तों आप इसके जो फॉन्ट हैं उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेआउट पे आने के बाद आप यहां से इसके लेआउट को जो इसकी हाइट है वेथ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कलर्स पे जाते हैं तो दोस्तों यहां से जो है वो इसका स्क्रीन बैकग्राउंड कलर आप यहां से जो ना सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये ब्लू लिया तो देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है जी ब्लू हो जाएगा। मैंने ये वाइट लिया तो देखो यहाँ पर वाइट हो जाएगा। और मैं इसका स्क्रीन टेक्स्ट जो है जो
जो टैक्स है मैं उसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों पीछे का जो है वो वाइट हो जाएगा, जो टैक्स है वो दोस्तों यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, और मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका ये पूरा जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा से चेंज करना है तो ये ऊपर वाली लाइन पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ प्रॉपर्टी जाएं और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी पे काम करने वाला हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है, जैसे हमने CMD ओपन किया तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास डिफॉल्ट आई, जो कि कंप्यूटर ने खुद से दिया। अब ये जो कर्जर हमारा यहाँ पर बिलिंग कर रहा है, हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर टाइप होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC लिखा, ये कोई कमांड नहीं है, मैंने ABC लिखा तो ये यहाँ पर टाइप हुआ। तो दोस्तों ये जो चीज़ अपने आप यहाँ पर आ रही है ना, इसको हम सेल बोलते हैं, SHELL, सेल। तो ये विंडोज़ का सेल है, हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर होगा। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आप समझे, अभी अगर देखा जाए कि हम जो भी काम करेंगे, हम जो भी फोल्डर बनाएंगे, वो एक्चुअल में फोल्डर बनेगा कहाँ? क्या वो फोल्डर सी ड्राइव में बनेगा? क्या वो फोल्डर डी ड्राइव में बनेगा? कहाँ बनेगा? ये सोचने वाली बात है। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, और फोल्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करेंगे MKDIR स्पेस। स्पेस आप एक दें या दो दें या 10 दें, कंप्यूटर उसको एक ही काउंट करता है। और स्पेस देने के बाद हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपने फोल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर हमने लिख दिया LINUX लिनक्स। तो ये हमारे फोल्डर का नाम होने वाला है, ठीक है। हमने एंटर किया तो देखें दोस्तों यहाँ पर कमांड चल गई है। अब मैं यहाँ पर जो है वो डबल क्लिक करके तो देख नहीं सकता जी आर यहाँ पे क्या बना। तो यहाँ पर डुअल क्लिक करने के लिए जो कमांड होती है वो DIR। DIR मतलब जी आपने जहाँ पर काम किया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको DIR की हेल्प से दिखा देगा। तो हमने एंटर किया तो देखो दोस्तों इसने मेरे को दिखा दिया जी यहाँ पर जो लिनक्स नाम का फोल्डर है वो आपका आ चुका है, और जिसके आगे DIR लिखा हुआ है वो सब फोल्डर हैं जो कि यहाँ पर पहले से भी क्रिएटेड बहुत सारे फोल्डर हैं। अब चलो देखते हैं कि क्या हमारी सी ड्राइव के अंदर लिनक्स नाम का फोल्डर बना। तो हम माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में गए, देखो जी नहीं बना, और हम फिर से डी ड्राइव में गए, देखो जी नहीं बना। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो यही आती है जी, हमारा जो लिनक्स नाम का फोल्डर है वो कहाँ बना है, जो कि यहाँ शो भी हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं जी, फोल्डर बनाते कहीं और पर हैं, ढूंढते कहीं और हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, आपने पैसे रख लिए शर्ट की जेब में और आप ढूंढ रहे हैं पैंट की जेब में, तो भाई जहां पर आपने पैसा रखा है वहीं तो मिलेगा। तो आपने जो फोल्डर जहां बनाया है आपको उसी लोकेशन पे तो मिलेगा, वो फोल्डर आपको सी ड्राइव में कैसे मिल जाएगा है? अब आप कहेंगे जी यहाँ पे तो सी ड्राइव दिखाई दे रहा है। तो मेरे दोस्तों ये चीज आप समझो, ये जो सबसे लास्ट वाला आपको नाम दिखाई दे रहा है ना, आप अभी इस फोल्डर के अंदर हैं, आप अभी एडमिनिस्ट्रेटर नाम के फोल्डर के अंदर हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर नाम का जो फोल्डर है ना वो यूजर्स फोल्डर के अंदर है, और यूजर्स फोल्डर जो है वो सी ड्राइव के अंदर है। तो आपकी जो करंट लोकेशन है वो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम का फोल्डर है। तो आप इस एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर के अंदर जाओ तो ही आपने जो फोल्डर या फाइल बनाई है वो आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर है ये यूजर्स फोल्डर के अंदर है, और यूजर्स फोल्डर जो है वो सी ड्राइव में है। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ से माई कंप्यूटर में, हम सी ड्राइव में जाते हैं, और यहाँ पर देखो हमारे पास यूजर्स नाम का फोल्डर है, हम इसे डुअल क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर नाम का फोल्डर है, हम इसे ओपन करते हैं, और देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लिनक्स नाम का फोल्डर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे गया है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि भाई आपने फोल्डर कहाँ क्रिएट किया है और आप उसे कहाँ सर्च कर रहे हैं। अब बात ये आती है जी, हमने तो जी एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं बनाना, हमने तो जो है वो सी ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना है। तो आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ पर देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सी ड्राइव के अंदर से यूजर्स के अंदर गया तो मैंने डुअल क्लिक किया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर गया डुअल क्लिक किया, अब मेरे को बैक आना है तो यहाँ पर ये बैक का बटन है, मैंने क्लिक किया तो मैं वहां से एडमिनिस्ट्रेटर से बाहर आ गया, यूजर्स नाम के फोल्डर पे आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो मैं अपनी सी ड्राइव पे आ गया, तो मैं बैक क्लिक से जो है वो यहाँ पर आ जा रहा हूँ। लेकिन CMD के अंदर कैसे आएंगे? तो CMD से अगर मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर से बाहर आना है, बैक आना है, एक स्टेप प्रीवियस आना है, यूजर्स फोल्डर के अंदर आना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा CD स्पेस डॉट डॉट, है ना। आपको किसी भी फोल्डर से बैक आना है तो आपको CD स्पेस डॉट डॉट टाइप करके एंटर कर देना है। तो देखें आप जो है वो यूजर्स के अंदर आ गए एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर से।
अब आपको यूजर से भी बैक आना है, सी के अंदर आना है आपको डायरेक्ट। तो आप फिर से सी डी स्पेस डॉट डॉट लिखेंगे, आपने एंटर किया, तो देखें दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप सी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने देखना है कि सी ड्राइव में है क्या क्या, तो मैं यहाँ पर डी आई आर करके देखूंगा। डी आई आर का मतलब है कि इसके अंदर जो भी है वो सब मेरे को दिखाई दे जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है मेरी डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ये सब मेरे फोल्डर पड़े हुए हैं इसके अंदर, दिखा रहा है कि 4 फोल्डर आपके इसके अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेफ लॉग पड़ा हुआ है, प्रोग्राम्स फाइल पड़ी हुई है, यूजर्स पड़ा हुआ है, विंडोज नाम के फोल्डर पड़े हुए हैं। अब चलो मैं इसके अंदर अपना कोई फोल्डर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया एम के डी आई आर स्पेस, मैंने उसका नाम रख दिया सोनू, मैंने एंटर किया। तो देखो यहाँ पर अगर मेरी कमांड गलत होती तो मेरे को यहाँ पर मैसेज देता कि आपकी कमांड जो है वो रॉन्ग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम देखेंगे कि सोनू नाम का जो फोल्डर है वो बना है या नहीं बना है। तो हमने डी आई आर यहाँ पर एंटर किया और देखें कि यहाँ पर देखो दोस्तों सोनू नाम का फोल्डर जो कि पहले नहीं था वो अब बन चुका है। आप अपने माई कंप्यूटर में जाएं और सी ड्राइव में जाके चेक करें, देखो जी सोनू नाम का फोल्डर यहाँ पर बन चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहां से बात आती है कि कमांड लाइन से हम सोनू नाम के फोल्डर में कैसे जाएंगे। तो किसी भी फोल्डर में जाने के लिए ग्राफिकली आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, लेकिन कमांड लाइन से जाने के लिए आप सी डी स्पेस फोल्डर का नाम लिखेंगे सोनू और एंटर कर देंगे। तो देखो दोस्तों सी के बाद आ गया लिखा हुआ सोनू, तो जो आपका सबसे लास्ट में लिखा हुआ आता है आप उसके अंदर हैं और वो फोल्डर सी के अंदर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब तक। तो अब हम सोनू के अंदर हैं, हम यहाँ पर डुअल क्लिक मतलब डी आई आर करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई भी फाइल और कोई भी डायरेक्टरी जो है वो नहीं है, ये कुछ हाइड होती है जो विंडोज अपनी बनाती है, ये हमने नहीं बनाई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कोई, मैंने आपको फोल्डर बनाना सिखा दिया है, आप यहाँ भी कोई फोल्डर बनाएंगे तो वही कमांड होगी एम के डी आई आर स्पेस, जैसे कि हमने यहाँ पर एक मोनू नाम का फोल्डर बना दिया, देन आप डी आई आर करके देखें तो यहाँ पर हमारा मोनू नाम का फोल्डर बन गया है। अब हम यहाँ पर कोई फाइल बना के देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फाइल बनाने के लिए कमांड चलाएंगे सी ओ पी वाई कॉपी स्पेस कॉन। ये देखो दोस्तों कॉपी स्पेस कॉन ये कमांड का नाम है, स्पेस कॉपी के बाद आपने स्पेस देना है, कॉन के बाद आपने स्पेस देना है, और उसके बाद जो है अब आपने यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है वो एक आई आई एस टी डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल बनाना चाहते हैं, हमने एंटर किया। तो देखो हमारी फाइल भी बन गई और उसने हमें कर्जर नीचे दे दिया लिखने के लिए। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हेलो विन, हेलो लिनक्स, हेलो विन एक्सपी, आप यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एंटर। अब हमने इस फाइल के अंदर डेटा को सेव करना है, तो डेटा को सेव करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तो है आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएं और उसके बाद एंटर करें, या फिर सिंपल सा तरीका है जो ऊपर आपने देखा होगा F1, F2, F3 नाम के बटन होते हैं, की होती हैं, उनमें से हम लोग F6 का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर F6 किया और देन एंटर, तो ये मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो गई है। फिर से सुन ले, सेव करने के लिए फाइल के अंदर डेटा को F6, उसके बाद हमने एंटर करना है, पहले F6 दबा के छोड़ देना है फिर एंटर करना है। अब ये फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई डी आई आर से कि हमारी यहाँ पर फाइल बनी नहीं बनी। देखो आई एच टी डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बन चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा था, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड हमें लिखना पड़ेगा टी वाई पी ई टाइप स्पेस और फाइल का नाम आई आई एच टी। तो टाइप एक कमांड है जो कि हमें ये दिखाती है कि जो भी हम फाइल का नाम आगे लिखेंगे उसके अंदर हमने क्या क्या डेटा लिखा था वो हमें शो करा देगी। हमने एंटर किया तो देखो दोस्तों ये डेटा हमारी इस फाइल के अंदर लिखा हुआ था। अब आप डिस्क कंप्यूटर में जाके और सी ड्राइव में जाके यहाँ पर सोनू नाम के फोल्डर में देख सकते हैं कि हमारा मोनू नाम का फोल्डर और आई आई एच टी नाम की जो फाइल है वो यहाँ पर बन चुकी है। देखो इसके अंदर हमने डेटा लिखा था, क्लियर। अब हमने सोनू नाम के फोल्डर से बाहर आना है तो सी डी स्पेस डॉट डॉट और एंटर करेंगे, डी आई आर करके देखेंगे तो हम लोग सी ड्राइव में हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों एक फोल्डर और बनाना चाहता हूँ, तो मैंने फोल्डर बनाया एम के डी आई आर, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर एम के डी आई आर के अलावा एक कमांड और होती है जिसके थ्रू आप फोल्डर बना सकते हैं, वो कमांड है MD। आप MD के थ्रू भी फोल्डर बना सकते हैं, दोनों कमांड का एक ही काम है। तो अब की बार मैं MD यूज कर रहा हूँ, MD स्पेस, मैंने फोल्डर का नाम दिया अखिल, एंटर। अब देखो DIR करके देख लेते हैं, देखो जी यहाँ पर जो है वो अखिल नाम का फोल्डर सबसे ऊपर बन गया है। हम सी टाइप में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर देखो बन गया और ये बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ
अब यहाँ पर जो है दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा जो सोनू नाम का फोल्डर है, ये जो हमारे पास सोनू नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जो ये फाइल है IIST नाम की, हम इसको कॉपी कराएंगे और अखिल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो चलो ये देखते हैं कैसे होगा। तो अभी अखिल के अंदर कुछ नहीं है, आपको मैंने अभी दिखा दिया यहाँ से ग्राफिकल जाके कि भाई अखिल जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से CD स्पेस सबसे पहले सोनू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर DIR करके देखेंगे जी हमारे पास IIST.txt अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे COPY कॉपी जी, आप कॉपी करा रहे हैं, किसको कॉपी करा रहे हैं, IIST नाम की फाइल को। अब स्पेस देके आप वो लोकेशन लिखेंगे जहाँ पर आपको पेस्ट करानी है। तो हमने पेस्ट करानी है इसको अखिल नाम के फोल्डर में। अब अखिल नाम का फोल्डर कहाँ पर है, तो अखिल नाम का फोल्डर है सी ड्राइव में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C: और स्लैश, ये एंटर से ऊपर वाला स्लैश है जो एंटर की के ऊपर होता है और बैक स्पेस के नीचे होता है। ये बिना शिफ्ट के आता है, कुछ नहीं दबाना, सिर्फ आपने उस की को दबाना है, ये स्लैश अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आप उस फोल्डर का नाम लिखें, ये लिखने का तरीका है, और आप एंटर कर दें। देखें यहाँ पे इसने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया जी वन फाइल कॉपीड, जी वन फाइल जो है वो आपकी कॉपीड हो चुकी है। सोनू से बाहर आए, CD:// अखिल के अंदर जाएं, CD अखिल एंटर, और यहाँ से हम DIR करके देखें। देखो जी यहाँ पर जो है वो IIST नाम की फाइल जो है वो हमारी पेस्ट हो चुकी है, आप ग्राफिकल भी चेक कर सकते हैं। ये देखें अखिल के अंदर ये आ चुकी है। आप इसमें डेटा देखना चाहते हैं, वही सेम डेटा है जो कि उस फाइल के अंदर था। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस फाइल को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं, इस फाइल का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रीनेम स्पेस, ठीक है, हमने क्या लिखा जी रीनेम। अब यहाँ पर जो है वो कौन सी फाइल है जी हमारी, हमारी फाइल का नाम है IIST.txt स्पेस। अब हम इसका जो है वो क्या नाम देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम रख दिया YV.txt और हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से DIR करके देखेंगे एंटर, तो देखो दोस्तों हमारी जो है वो IIST यहाँ से हट गई और YV.txt नाम की फाइल हमारी यहाँ पर आ गई। लेकिन ये फाइल हमारी वही है जो कि IIST थी, हमने सिर्फ उसके नाम को चेंज किया है, उसको रीनेम किया है। तो रीनेम करने की यही कमांड है, रीनेम स्पेस फाइल का नाम और जो स्पेस आप जो उसका न्यू नाम देना चाहते हैं वो आपने टाइप करना है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं सी ड्राइव में अखिल के अंदर जी भाई, यहाँ पर देखो YV इसका नाम चेंज हो गया है और इसके अंदर वही डेटा है जो कि IIST फाइल के अंदर था, ठीक। तो इस तरीके से हमने सीखा जी हम किसी फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे जी हम इस फाइल को यहाँ से, पहले हमने सीखा था कॉपी पेस्ट, अब हम सीखेंगे जी हम इस फाइल को कट पेस्ट कैसे करेंगे। तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि हम जिस फाइल को जहाँ से कॉपी करते हैं, हमने सोनू से कॉपी किया था तो वो फाइल वहाँ भी रहेगी और हम जहाँ पेस्ट करेंगे वो फाइल वहाँ भी चली जाएगी, तो वो अखिल में भी आ गई थी। लेकिन कट पेस्ट का मतलब होता है कि इस फाइल को अगर मैंने अखिल के यहाँ से कट किया और सोनू में पेस्ट किया तो ये सिर्फ सोनू में रहेगी, अखिल से जो है वो कट हो जाएगी, अखिल के अंदर से हट जानी चाहिए। तो अभी ये फाइल यहाँ पर मैं आपको DIR करके दिखा देता हूँ, मैं अभी अखिल के अंदर हूँ, ये फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको कट पेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड है MOV स्पेस फाइल का नाम YV। तो मूव का मतलब होता है कट, हम इसको मूव करा रहे हैं। स्पेस कहाँ ले जानी है जी, सोनू के अंदर, सोनू कहाँ है सी ड्राइव में, तो C:// एंटर से ऊपर वाला और फोल्डर का नाम सोनू, एंटर करें जी, वन फाइल मूव्ड हो गई। अब अखिल में देख लें DIR चला के, देखो जी यहाँ पे कोई फाइल नहीं बची है, वो सारी यहाँ से फाइल जो है वो मूव हो चुकी है। CD:// बैक आ गए सी ड्राइव में, CD सोनू, सोनू के अंदर चले गए DIR। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी YV.IIST नाम की जो फाइल है वो भी यहाँ पर आ गई है। फाइल के आगे कुछ नहीं लिखा आता, फोल्डर के आगे लिखा हुआ आता है। अब दोस्तों यहाँ से हम सीखेंगे जी हम इस फाइल को जो है वो डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखना है DEL स्पेस फाइल का नाम, जैसे हमने लिखा IIST.txt और हमने यहाँ से एंटर कर दिया। देखो जी कमांड चल गई है, आप दोबारा से DIR करके देख लें, देखो जी IIST नाम की जो फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। उसके बाद हमने YV डिलीट करना है, तो DEL स्पेस YV.txt एंटर, ठीक है। और उसके बाद आप DIR करके देख लें, देखो जी यहाँ से YV भी डिलीट हो चुकी है। अब आपको मोनू नाम का फोल्डर जो है उसको जो है डिलीट करना है, तो
फाइल को डिलीट करने के लिए DEL कमांड होती है, और फोल्डर को डिलीट करने के लिए जो है वो आपकी RD कमांड होती है। RD स्पेस फोल्डर का नाम, एंटर। ठीक है, अब आप DIR करके देख लें। देखो जी, यहाँ से मोनो डिलीट हो चुका है। आप CD स्पेस डॉट डॉट बैक आए, सी ड्राइव में आ गए। देखो जी, सी ड्राइव में सोनू और अखिल दो फोल्डर हैं। तो हम दो फोल्डर को या दो फाइल को भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। सिंपल कमांड है RD स्पेस फोल्डर का नाम सोनू स्पेस फोल्डर का नाम अखिल, देन एंटर। देखो जी, और DIR करके आप देख लो। तो यहाँ से जो है आपका जो है दोस्तों दोनों फोल्डर वो डिलीट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखें जी, सी ड्राइव के अंदर सिर्फ चार ही फोल्डर हैं जो कि स्टार्टिंग में सोनू और अखिल, यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। चलिए अब बात आती है जी, सी ड्राइव हमारी है और हमने माई कंप्यूटर खोला, तो हम तो यहाँ डी ड्राइव पे भी जा सकते हैं, है ना। तो हम कमांड लाइन से दूसरी ड्राइव पर कैसे जाएं? तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको जो सी ड्राइव में जाना है वो ड्राइव का आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास डी ड्राइव है, मेरे को नाम पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डी लिखेंगे और डी के बाद कॉलन, कॉलन शिफ्ट के साथ आते हैं, देन एंटर। देखो जी, हम डी ड्राइव में आ गए। कितना ईजी है ना। यहाँ पर हम DIR करके देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है ना। अब इसके अंदर हमें कोई फाइल या फोल्डर बनाना है, तो हमने फाइल बनानी है। तो COPY कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, फॉर एग्जाम्पल हम रख देते हैं win10.txt, ठीक है। और हम इसके अंदर लिख सकते हैं हेलो एडमिन, देन हमने एंटर करके F6 किया। F6 करने के बाद हमने एंटर किया, देखो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। हम इसमें देख सकते हैं टाइप स्पेस और फाइल का नाम है हमारा win.txt, हमने एंटर किया। तो देखो इसके अंदर हेलो एडमिन लिखा हुआ था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जी, यहाँ पर डी ड्राइव में है आपकी, आ चुकी है फाइल, आप ओपन करके देख सकते हैं हेलो एडमिन लिखा हमने। अब मैं चाहता हूँ यार जी, मेरी फाइल जो डी ड्राइव में है ना, वो डी ड्राइव से जो है वो सी ड्राइव में कॉपी पेस्ट हो जाए। देखो सी ड्राइव में कुछ नहीं है, तो ऐसा ही मैं कर सकता हूँ, बहुत ईजी है। कॉपी करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी COPY कॉपी स्पेस फाइल का नाम लिखें जी, फाइल का नाम है विन। अब आपको कहाँ भेजनी है जी, C:\, ठीक है, बस एंटर। इतना सा छोटा सा काम है। देखो जी, कॉपीड हो चुकी है। अब आप यहाँ से जो है वो यहाँ से आप जाके सी ड्राइव में देख सकते हैं जी। देखो जी, आपका जो है यहाँ पर विंडोज 10 जो है वो फाइल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ जी, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बैक जाना है सी ड्राइव में, तो सी लिख के कॉलन दबा के एंटर कर देना। देखो जी, मैं सी ड्राइव में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से CMD से मैं अपने इस डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल या फोल्डर बनाऊँ जो कि अभी तक नहीं है मेरे डेस्कटॉप पे, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को ये समझना होगा कि यार ये एक्चुअल में जो डेस्कटॉप है ना, ये होता कहाँ है। क्योंकि जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ग्राफिकल है, लेकिन जब आप कमांड लाइन से काम करते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी सी ड्राइव में हूँ, तो ये काम सी ड्राइव में होगा। अगर मैं डेस्कटॉप पे काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर होगा जो मेरे को डेस्कटॉप पे काम करने की परमिशन देगा। तो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर कहाँ पर होता है? तो देखो जी, ये डेस्कटॉप है मेरा। डेस्कटॉप नाम का फोल्डर हमेशा उसके अंदर होता है जो यूजर आपने लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने यूजर लॉगिन किया हुआ है वो है जी आपका एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेस्कटॉप नाम का जो फोल्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मिलेगा जी। और एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है यूजर फोल्डर के अंदर। कोई भी यूजर हो, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो या आपके नाम से हो, ठीक है, वो हमेशा मिलेगा यूजर्स फोल्डर के अंदर। और यूजर फोल्डर कहाँ होता है जी? सी ड्राइव में। तो मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। सी ड्राइव, इसके अंदर देखो यूजर नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का फोल्डर है, और देखो इसके अंदर जो है वो आपका डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो अब कमांड लाइन में हम ऐसे ही जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग अभी देखो यहाँ पर सी ड्राइव में हैं, तो हम CD स्पेस यूजर्स के अंदर जाएंगे। देखो जी, हम यूजर्स के अंदर आ गए। उसका CD स्पेस हम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाएंगे। देखो जी, हम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आ गए। अब CD स्पेस हम लिखेंगे जी डेस्कटॉप। तो देखो जी, हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए। तो अब मैं कहाँ पर हूँ? मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स के अंदर है, यूजर सी ड्राइव के अंदर है। तो मैं यहाँ जो भी काम करूँगा वो मेरे इस लास्ट वाले फोल्डर को इफेक्ट करेगा, वो यहाँ पर काम होगा, तो वो डेस्कटॉप पे काम होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को डेस्कटॉप पे दिखनी चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पर कोई फोल्डर बनाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कमांड बताई MKDIR स्पेस, मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम रखा जो। आप एक साथ कई फोल्डर भी बना सकते हैं। आपने स्पेस करके दूसरा नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने रख दिया हेलो और आपने एंटर किया। तो देखो दोस्तों, मेरे यहाँ पर देखो दोनों फोल्डर जो है वो बन गए हैं, जो और हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेस्कटॉप के ऊपर भी काम
कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।